ऐसे में कोई व्यक्ति ताना साहब बनने के रास्ते पर है, गंगा में नौका विहार करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे हो सकता है मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया हो लेकिन मुझे परमात्मा ने दिया। 7वीं पुण्यतिथि पर नेहरू जी को पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और ऐसे समय में जैसे कि थरूर जी ने बताया कि जब हम चुनाव के अंतिम चरण में हैं और जो लोकतंत्र के सबसे बड़े समर्थक पंडित नेहरू जी की पुण्यतिथि हम मना रहे हैं और पूरे देश की जनता पर हमें पूरा विश्वास है कि अब प्रजातंत्र की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है, ऐसे में कोई व्यक्ति ताना साहब बनने के रास्ते पर है, उसे रोकने के लिए पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर चल पड़ी है, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, पूरब हो या पश्चिम हो, सभी क्षेत्रों में एक बात है कि परिवर्तन होना चाहिए कि मौजूदा सरकार से सब लोग ऊब चुके हैं। 10 साल तक के केवल सद्भाग दिखाया गया, पहले मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस को आपने 60 साल दिया है, मुझे 60 महीने दे। उसके बाद आपको याद होगा जब नोटबंदी लागू की तो उन्होंने कहा मुझे 50 दिन दे। फिर जब कोरोना आया तो उन्होंने केवल 21 दिन मांगा था, लेकिन देश की जनता ने देखा कि ये केवल सजवाद दिखाते हैं और होता कुछ नहीं है। पहले जब आए, आज मैं एक कार्टून देख रहा था, तो पहले 2014 में आए तो उन्होंने कहा कि मुझे सेवक समझिए, फिर 2019 आया तो उन्होंने कहा कि मुझे चौकीदार समझिए, और अभी तो आपने देखा कि बनारस में गंगा में नौका विहार करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे हो सकता है मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया हो लेकिन मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो अब वो भगवान बन गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि मुझे भगवान समझिए। इस 10 साल में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है और जिस प्रकार से मोदी और मोदी की सरकार उसकी पार्टी तानाशाही प्रवृत्ति को अपनाते हुए जो कार्य किए हैं उसे चंडीगढ़ के लोग कैसे भूल सकते हैं। यहाँ जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई वो आप सब गवाह हैं कि मेयर के जब चुनाव हुआ तो किस प्रकार से उसके ही पार्टी के व्यक्ति ने किस चुने हुए जनप्रतिनिधि के वोट को उन्होंने किस प्रकार से क्रॉस किया उसको पूरा देश ने देखा है। तो आज आवश्यकता यही है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा देश कटिबद्ध है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र पक्ष में, संविधान के पक्ष में संविधान बचाने वाली एक साथ एकजुट दिखेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।